आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं पीछे, पहले आप खुद सोल्व करके देखना, जैसे मैं आपको हर बार कहता हूँ कि जो मैंने पीछे वो कंसेप्ट सिखाए हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, एक बार पोस्ट करके वीडियो पहले इसको करने की कोशिश किया करो कि जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन पाए, आपको जो दिक्कत होगी मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो आप अच्छे समझ पाओगे, ठीक है। तो पहले करने की कोशिश करना और चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्या लिखा मैंने। ये पांच क्वेश्चन हैं, जो आसान क्वेश्चन है ना वो मैंने छोड़ दिए, जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन से आपको समझा सकता हूँ मैंने वही क्वेश्चन लिए, ठीक है। डिटेल से नहीं कराऊंगा, डिटेल से मैंने पहले कह दिया था, मैं बेसिक कंसेप्ट से करवा रहा हूँ, डिटेल से करना तो आप कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल वॉज इंक्रीज फ्रॉम, देखो मेरा यहाँ पे मेन मोटिव जो रहता है मेरे को आपको सिखाना है, ठीक है। करना चाहूँ तो मैं सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा इसको। अब यहाँ क्या क्या फ्रॉम और टू, इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लो। इसने कहा द प्राइस ऑफ एन सर्टेन आर्टिकल वॉज इंक्रीज फ्रॉम 1250 टू 2000, मतलब 12500 से किसी आर्टिकल का प्राइस 12000 हो गया, मतलब 2000 हो गया, ठीक है, 12500 से 2000 हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस, मतलब प्राइस में कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ ये मेरे को बताओ, ठीक है। पहली बात मैं पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता हूँ, सोल्व करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ और हो सकता है तो आप कैसे करते हैं, आप देख रहे हैं एक बार। यहाँ पे कहा है कि मेरे को परसेंटेज इंक्रीज बताना है कि 12500 से मेरे को इंक्रीमेंट हुआ 2000 का, मतलब 12500 से जो आर्टिकल का जो प्राइस है वो हो गया 2000 रुपए। तो मेरे को बताओ कितना बड़ा, आप कहोगे कि सर यहाँ पे टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ है वो है 750 रुपए का, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 750 रुपए का, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब भी परसेंटेज निकालते हैं परसेंटेज हमेशा किससे निकालते हैं, जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 1250 से ही हुआ है ना, 1250 से, तो बेस तो यही होगा, बात समझ आती है क्या, ठीक है। तो बेस तो ये है तो मैं परसेंटेज निकाल दूंगा, 750 कि 750 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पे हुआ है, 1250 पे, और मल्टीप्लाई 100। आपको पता है ना मैंने आपको सिखाया था एक लेक्चर में कि 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं और फिर नेक्स्ट परसेंटेज क्यों लगा देते हैं, समझाया था मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको सिंपली काट लो, कुछ भी नहीं है, 10 से 10 25 से काट लो, 25 किया और 25 5, ठीक है, और 5 2 कितना हो गया 60% का इंक्रीमेंट हो, बात समझ आती है क्या, ठीक है। अब देखो मेरा जो मेन मोटिव है आपको सिखा देता हूँ, कुछ सीखना है एक बार। यहाँ पे लिखा था फ्रॉम और टू, मतलब क्या होता है कि 1250 से इंक्रीमेंट होके जो हो गया वो 2000 रुपए हो गया, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेटमेंट चेंज करता मान लू, इसी में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, देखो एक बार मैं इसको लॉक करता हूँ और मैं इसी को एक और कुछ लिख देता हूँ, देखो एक बार मैं वही आपका जो क्वेश्चन आपके पास मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो 1250 इसका क्या था जो भी था, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस था आर्टिकल का, मैंने कहा इसमें इंक्रीमेंट हुआ है बाय, मैं कह रहा हूँ इट इंक्रीजेस बाय 500, ठीक है। तो मेरे को निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है, बात समझना इन क्वेश्चन में दोनों डिफरेंस क्या है। उस क्वेश्चन में दिया था कि 1250 से जो आर्टिकल की जो इंक्रीमेंट के बाद 2000 बन गया, तो मेरे को पूछा था कितना इंक्रीमेंट हुआ, वहां तो मेरे को माइनस करके निकालना पड़ा, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कह दिया कि इट इंक्रीज बाय 500, मतलब 1250 पे 500 रुपए का इंक्रीमेंट होगा, और मैं पूछ रहा हूँ आपसे अब कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, बस वही है। अब यहाँ पे मेरे को ये गिवन डायरेक्ट है, मेरे को माइनस करने की जरूरत नहीं है, 500 कितने पे इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट तो इसी पे होगा ना, तो 1250 मल्टीप्लाई 100 यहाँ से क्या निकल जाएगा परसेंटेज। और मैं बार बार कह रहा हूँ मैंने परसेंटेज का मतलब आपको सिखा दिया था, बेसिक क्या होता है, कैसे मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई क्यों करता हूँ, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हो गया, अब अगले क्वेश्चन पे देखो, देखो क्वेश्चन सारे आसान है, मैं बस मेरे को मेन जो मेरा मोटिव आपको सिखाना है कि चीजें कैसे अप्रोच करनी है। देखो इन ए क्लास 25% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड फॉर संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। अब 25% जो स्टूडेंट्स ने क्या ऑप्ट किया, आप बोल दीजिए सर संस्कृत लैंग्वेज को ऑप्ट कर लिया, ठीक है। एंड रिमेनिंग बचे हुए जो 45 जो स्टूडेंट्स हैं ऑप्टेड फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर संस्कृत। देखो प्लीज मेरे बात को पहले सीखना है एक बार अच्छे से, क्योंकि एक बार आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा ना, मैंने आपसे बिल्ड कर दिया है पर फिर भी देखना है एक बार। देखो मैं क्या कहा था, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना, मैंने कहा था ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करके 25% ऑफ द स्टूडेंट्स मैं मान लेता हूँ, देखो मैं एक्स में ही मान रहा हूँ, आपको चीजें मैंने सिखाई है, मैं कह रहा हूँ अपने आप में जो बच्चे होंगे मैं मान लेता हूँ कि जो स्टूडेंट्स है वे 100%, ठीक है क्या बात, ठीक है।
अब उसमें से 25% जो स्ट्रेंथ है उन्हें संस्कृत टॉप की है। देखो मैं इसको अलग मार्कर से दिखाता हूँ, 100% में से 25% जो स्ट्रेंथ है उन्होंने क्या ऑप किया है, आप कहोगे कि सर संस्कृत लैंग्वेज ऑप की है, ठीक है। अब बताओ टोटल तो 100% बच्चे थे टोटल, और उसमें से 25% किसके होंगे संस्कृत के। अब बताओ बच्चे हुए किसके रहेंगे, आप कहोगे कि सर बच्चे हुए रहेंगे 75% बच्चे रहेंगे, और ये किसके रहेंगे जो दूसरी लैंग्वेज है वो रहेंगे फ्रेंच के। बात समझ आ गई ना मेरी बात, क्लियर है क्या? ठीक है, अब तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं रहा, क्वेश्चन में दम ही नहीं रहा, क्यों? अभी क्या एंड रिमेनिंग जो 45 फ्रेंड्स आर ऑप्टिंग फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब 75% किसके बराबर है, 45 के बराबर है। बात समझ आ गई, 75% 45 के बराबर है। और मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है मतलब टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है, और एक मेरे को निकालना है कि संस्कृत कितने पढ़ते हैं, मतलब 25% की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया? ठीक है, अब समझो, अब मैंने कहा था ये 75% किसके बराबर है 45 के। देखो यहाँ पे कर देता हूँ, 75% किसके बराबर है 45 के, 1% किसके बराबर होगा, आप कहोगे कि सर 45/75%। मेरे को निकालना कितने है, टोटल निकालना ना, तो टोटल कितना है 100%, तो निकाल दिया 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 25 से काट देता हूँ 3 पे और 25 से 4 पे, ठीक है, 3 से काट लेता हूँ 15 पे, तो कितना आ गया 60। पास में नाम क्या, तो टोटल जो बच्चे थे क्लास के अंदर कितने थे 60 थे, ठीक है। ठीक है, अभी तो कुछ सीखना, अभी तो बहुत कुछ सिखाना है मेरे को। अब क्या करोगे आप बच्चे, क्या करोगे आप, करोगे 60 आ गया सर, अब 60 का क्या निकाल देते हैं 25% निकाल देते हैं, और आपका क्या निकल जाएगा संस्कृत के बच्चे निकल जाएंगे, ठीक है। ये तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को जो चीजें सिखानी ना वो भी सीखो एक बार। मैं कह रहा हूँ क्या मेरे को पहले 100% निकालने की जरूरत थी क्या? अगर मान लो सुनना प्लीज एक बार, ये चीजें ठीक आपका क्वेश्चन हो गया, आपने 60 का निकाल दिया, मान लो ये लाइन ना होती, ये लाइन मैंने ना कही होती, ठीक है, और मैं सिर्फ ये पूछता कि संस्कृत पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, मैं मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हूं हैव ऑप्टेड फॉर संस्कृत, अगर मैं दैट ये पूछता तो एक बात बताओ क्या मेरे को 100% की वैल्यू निकालने की जरूरत थी क्या? नहीं निकालने की जरूरत थी, मेरे को क्या करना पड़ता? आप कहते हैं कि सर 75% किसके बराबर है, आप कहोगे सर 45 के बराबर है, और निकालने कितने की वैल्यू है, आप कहोगे सर 25% की निकालने पर डायरेक्ट निकाल लो 25% की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालेंगे 45/75 × 25 परसेंटेज से परसेंटेज पहले ही काट दिया, आप समझ गए होंगे 25 से काट दिया 3 पे और 3 कितना गया 15 पे। बात समझ में आती क्या? देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं चाहूँ तो क्वेश्चन को सिर्फ एक मिनट में करवा दूँ, पर मेरा जो मेन मोटिव है कि आपको चीजें समझ में आए, कि आपके कंसेप्ट खुले दिमाग के, कि कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बड़ा आसान है, पर देखो यहाँ पे भी क्या होता है, मैं आपको कुछ अच्छा सिखा सकता हूँ इस क्वेश्चन में भी। अभी आपको बहुत क्वेश्चन कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के, जैसे मेरे को टाइम नहीं लेना, पर आप पहले इनको समझो एक बार चीजों क्या क्या है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, देखो इन एन अलॉय कॉपर एंड टिन, कॉपर इज 6 पार्ट्स एंड टिन इज 4 पार्ट्स, ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द इन एन अलॉय। अब मेरे को पास बताना पहले, अगर मान लिया ये कंप्लीट मेरे पास एक अलॉय है, ठीक है, ये अलॉय हो गया, मैं लिख देता हूँ ये हो गया अलॉय, ठीक है। इस अलॉय के अंदर क्या है प्लीज समझना, एक पार्ट और दो पार्ट मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, मान लो एक 6 पार्ट का क्या है कॉपर, क्या है कॉपर, ठीक है, और 4 पार्ट क्या है टिन है, तो टोटल कितने पार्ट होंगे कोई बताओ, टोटल जो एलोय का जो हिस्सा हुआ एलोय के अंदर टोटल कितने पार्ट होंगे, आप कहोगे कि सर एलोय के अंदर टोटल 10 पार्ट होंगे। बात समझवागी क्या, ठीक है। अब इसे पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन एंड द एलोय, मतलब एलोय के अंदर, एलोय के अंदर इस 10 के अंदर कॉपर का पोर्शन कितना है, आप कहोगे सर 6 पोर्शन है, टोटल किससे पूछे एलोय पे पूछे मल्टीप्लाई 10 कर दो कितना आ गया 60%। कुछ ही पूछ ले, अगर मैं पूछता यहाँ पे टिन का पोर्शन कितना है, टिन का पोर्शन कितना है, तो क्या करते टोटल एलॉय में आप करते 4/10, ठीक है, ये चीजें तो हुई। अब मैं कुछ और पूछता हूं आपसे, अगर मैं पूछता कि टिन का परसेंटेज कॉपर के कंपैरिजन में कितना है, तो भी आप कर सकते थे। मैंने क्या पूछा, टिन का परसेंटेज पूछा है किसके कंपेरिजन में, कॉपर के कंपेरिजन में, बस निकाल दो यहाँ पे 6 नीचे आ जाएगा। अगर मैं पूछता हूँ कॉपर का, कॉपर का जो परसेंटेज कितना है टिन के कंपैरिजन में, आप कहोगे कि सर कॉपर का पूछा है कंपैरिजन करना है टिन से, तो नीचे आएगा मल्टीप्लाई। सर वाकई क्या मैं चीजें सिखा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है, आपने अगर कंसेप्ट पक्के हैं तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हो, क्या दिक्कत है,
मैंने आपको चार तरीके से क्वेश्चन बताया कि कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। सो रहा है ना क्या मैं क्या बता रहा हूँ आपको चीजें, बाकी सब देखो। अब सुनो, एम के क्या विश्व वर्मा रिसीव 25,000 एज अ मंथली रेंट, मंथली रेंट है, ठीक है, मेरे हिसाब से बता दूं मंथली रेंट है। ही स्पेंड 20% ऑफ इट इन बाइंग न्यू फर्नीचर एंड 25% ऑफ इट ऑन वाइट वॉशिंग, ठीक है। फाइंड द मनी ही वॉज लेफ्ट विथ, प्लीज मेरी बात को पहले सीख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ समझ लो, मेरे पास टोटल 25,000 रुपीज मिले हैं मेरे को, ठीक है। 25,000 में मैंने 20% का जो खर्चा किया है वो मैंने किस पे किया है, फर्नीचर पे, और 20% का खर्चा किया मैंने फर्नीचर पे, 25 का किया मैंने किस पे, व्हाइट वॉशिंग पे। इसने पूछा मनी क्या लेफ्ट बचे, अभी देखना मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन सिखाता हूँ, एक बात क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखो देखो एक काम करोगे कि सर ऐसे 25,000 है, इसका फिर निकाल आपने 20% निकाल दिया, ठीक है, तब वो इस तरह काट लिया मैंने, कितना आ गया 25,50 लेकर 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए का खर्चा तो मेरा सर आपको सब फर्नीचर पे लग गया मेरा, ठीक है। फिर इसने कहा उसी के ऊपर 25,000 उसी का 25,000 का ही चलो सर उस पर भी कर देते हैं, आप ऐसे करोगे ना, प्लीज समझना है उनको सिखाना चाहता हूँ, कितना गया 625 आप होगी सर, इतना खर्चा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब टोटल खर्चा कैलकुलेट करने लगे आप होगी कि सर 0,5,2,11,250 का खर्चा मेरा टोटल बेच चुका है, ठीक है, और 25,000 का मेरे को रेंट मिला था। आप कहोगे कि सर 25,000 में से अगर मैं 11,250 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास टोटल बन जाएगा 9 में से 2, 7 और एक इतना 3 और एक 13,750 रुपए मेरे पास बचेगा। बात क्लियर की आपने ऐसा किया हुआ बेसिक से, तो ऐसे करोगे कि सर पहले तो मैंने 20% को निकाल दिया, ठीक है, और फिर मैंने क्या कर दिया, हाँ पहले एक गलती सुना, आप जो गलती करते हो ये नहीं कह रखा कि 25% रिमेनिंग के बाद, ठीक है, समझना पहले, ये रिमेनिंग के बाद नहीं कह रखा, यहाँ पे क्या 20% भी इसी 25,000 का और 25% भी इसी 25,000 का। अगर ये कहता कि 20% खर्च होने के बाद जो पैसा बचा है उस पे, पास बात की ना चीजें अलग अलग है सारी। अब देखना अपने को ये चीजें करने की जरूरत थोड़ी दो बार मैं डेट कर सकता था, क्यों, मेरे को पता है, सुनना ही बार मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ, देखो एक बार आप समझ जाओगे मैं क्या सिखाता हूँ, डिटेल से बता देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्या मेरे को यहाँ पे अलग अलग निकालने की जरूरत थी क्या, मेरे को पता है कि ये 25,000 पे ही लग रहा है, तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता 20% ये हो गया और 25% ये हो गया, टोटल कितना खर्चा हो गया मेरा, आपको गलती से टोटल 45% खर्चा होगा, कितना हो गया 45%, और अपने आप में कोई चीज कितने परसेंट होती है, आपको गलती से अपने आप में कोई चीज होती है 100%, 45 खर्चा हो चुका है तो कितने परसेंट रह गया, 55% रह गया, बस निकाल लो डायरेक्ट 25,000 का 55% निकाल लो, ये आपका आंसर है, बात समझ रहे। देखो यहाँ पे तो चीजें ये चल सकती है, क्यों, ये नहीं कह रखा कि 25% रिमेनिंग अमाउंट का है फर्नीचर खरीदने के बाद का, पास में आगे क्या कोई दिक्कत तो बता दो, अभी अगर कहोगे ना तो कमेंट कर देना, इसको और डिटेल से सिखा दूंगा, एक्स मान के भी कि ये चीजें अल्टीमेटली यही बन रही है, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आया, अगर यहाँ पे ही कहा होता, सुना मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा और बता देता हूँ, देखो अगर इसने कहा होता 25% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, अगर मान इसने कहा होता यहाँ पे 25% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, तो आप क्या करते पहले वही करते थे 25,000 का पहले क्या करते 20% निकालते, कितना खर्चा हुआ आपको 5,000 रुपया, ठीक है। फिर आप क्या करते इसने कहा 25% ऑफ द रिमेनिंग, तो क्या करते 25,000 में से पहले 5,000 माइनस करते तो कितना रहेगा 20,000, ठीक है, फिर उस 20,000 का 25% करते, ठीक है ना, बासर भाई रिमेनिंग का मतलब क्या होता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ना। एक क्वेश्चन रह गया बस, जल्दी से ये भी देख लो, ज्यादा बड़ा लेक्चर निकल रही, जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करो कर जाके, इतना मैं कर लेता हूँ इसको। अब देखो इसने कहा इन अ गार्डन विद 80 ट्रीज, ठीक है, 15% आर गुआवा ट्रीज, 20% आर मैंगो ट्रीज एंड रेस्ट आर ओरेंज ट्रीज, फाइंड द नंबर ऑफ, आपको भी सर ये वो क्वेश्चन है क्या, क्यों, क्योंकि सर अपने आप में अगर मानता हूँ कोई चीज 100% है मान ली, ठीक है। अब उसने कहा 15% क्या है गुआवा है, ठीक है, मैंने जी से ली, ठीक है। फिर कहोगे सर 20% क्या है मैंगो है, ठीक है, मैंने मैंगो लग दिया। अब बताओ तीसरा फ्रूट कौन सा है, ओरेंज ही तो है, टोटल 100% था उसमें से 35% तो इसमें आ गया,
35 के बाद कितना रह गया? ओके केसरी रह गया 65 सेंट. क्या रह गया? ओरेंज. आंसर वहां भी ना टोटल 65 है, 20% ये और 50% ये. निकालो फाइनल नंबर ऑफ ऑरेंज इन द बस निकाल दो. 80 का डायरेक्ट 60% निकाल दो, 65% बस हो गया क्वेश्चन. कितने पे काट दो? 20 पे 4 और 5 5 और क्या कितना हो गया? 52. तो 52 जो है वो किसके हैं? ऑरेंज के हैं. बाकी क्या है? मैंगो और एक आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. पर देखो मैं इसको अगर सिखाना चाहता था तो 5 मिनट भी सिखा सकता था. मेरा जो मेन मोटिव है कि आपकी समझ डेवलप हो, कि मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे. आप भी ऐसे विजुअलाइज करो चीजों को, आप समझो. मैथ बड़ा आसान है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो. मुझे समझ में आएगा तो बहुत मुश्किल है. अगर आपको मेरे ही एफर्ट्स पसंद आए हैं और आपको कंसेप्ट पसंद आए कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, तो प्लीज पक्का तौर पर दोस्तों को ये चैनल शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना. ठीक है? ओके, थैंक यू, गुड बाय.